अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड जो है इसके अंदर मुख्तलिफ जॉब्स का जो है ऐलान हुआ है। इसमें मुख्तलिफ जो असामियाँ हैं उनके ऊपर भर्तियाँ हो रही हैं। जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जो है ये इस्लामाबाद बेस्ड है और इसमें जो है जिसको हम कहते हैं नेशनल ग्रिड होता है, ये जो है ऑल पाकिस्तान जो है एनर्जी की सप्लाई के लिए जो है कंसर्न होती है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ जो असामियाँ हैं जिसमें ऊपर भर्ती हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट पर आ रही है डिप्टी मैनेजर है कॉरपोरेट अकाउंट्स के ब्रांच में। ये 18वें स्किल की पोस्ट है। इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए आपकी एम कॉम या एम बी ए होना चाहिए, 18 साल की एजुकेशन होनी चाहिए आपकी और 3 साल का जो है आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट का या फाइनेंस का। अगर आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम भी करते रहें तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर और NOC लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है 38 साल तक की उम्र के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें सीट्स हैं पंजाब की जो है ओपन मेरिट के ऊपर 1 सीट है और सिंध की जो है रूरल में 1 सीट है। उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर है लीगल, इसमें आप लीगल से देख रहे हैं कि लॉ उन्होंने किया हुआ है, LLB किया हुआ है 5 साल, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17वें स्केल की पोस्ट है, 25 से 35 साल जो है इसकी उम्र होनी चाहिए और पंजाब की भी एक और सिंध की भी 1 सीट है। उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल है, बेसिक पे स्केल इसका 17वां है। उसके बाद इसमें जो है एजुकेशन जो है वो है सिविल इंजीनियरिंग, जिन्होंने किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेशक फर्स्ट डिवीज़न 2.5 CGPA होना चाहिए, 21 से 33 साल जो है इनकी उम्र है। जो फ्रेश जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जो है ज़रूरी नहीं है। तो ओपन मेरिट पर इसकी 1 सीट है और KPK के अफराज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है कॉरपोरेट अकाउंट्स में, 17 स्केल की ये पोस्ट है। CA जिन्होंने MCOM MBA BBA किया हुआ है और BBSA BSBA जिन्होंने किया हुआ है वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल उम्र है। इसमें भी अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस जो है कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस के बगैर इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर पोस्ट है। पंजाब में भी ओपन जो है इसकी 1 सीट है, वुमेन के लिए जो है वुमेन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं फीमेल। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट है, ऑडिट ऑफिसर भी जिसको हम कहते हैं, इसमें भी जो है जिन्होंने CA किया हुआ है या MCOM MBA BBA वगैरह फाइनेंस में किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंध की जो है सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल इसकी जो है उम्र है। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर है मैकेनिकल, 17 स्केल की, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं पंजाब की 1 सीट है, इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है बाकायदा टेस्ट होगा और जो सिलेक्ट होगा उसकी जो है ये पोस्ट आएगी। असिस्टेंट मैनेजर है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में किया हुआ है HRM मास्टर्स के अलावा LLB किया हुआ है डिप्लोमा, 21 से 33 साल उम्र है, वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के जो लोग हैं वो इसमें सिंध के शहरी लोग वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है 17 सिक्योरिटी ब्रांच में, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास इसमें 21 से 33 साल उम्र है और पंजाब की जो है 1 सीट है, अगर रिटायर्ड ऑफिसर्स नहीं हैं तो रिटायर्ड आर्मी से अगर आप किसी भी फोर्सेज से रिटायर्ड हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अब दोस्तों अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो भी मैं आपको बताता जाऊँ। दोस्तों इसमें जो है आपने देख लेना है पहले कि आपकी जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कौन सी आप जो है पोस्ट के लिए फिट आ रहे हैं। उसके बाद आपने जाना है NTS की वेबसाइट है, उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है इसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने NTS की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपने देखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फिल करके आपने जो है इसको फिल करना है और अप्लाई करना है। इसको जो चालान फीस है वो है 650 रुपये पर अप्लाई। इसके बाद जो है दोस्तों इसमें जो आप देख सकते हैं कि पहले सबसे आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट जो क्लियर करेंगे उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट होने वाले कैंडिडेट जो हैं उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के बाद। इसमें तो इसमें जो है आप देख सकते हैं सामने आपकी पोस्ट हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि जो है उनका भी भला हो जाए, उनको भी इसके बारे में आगाही हो जाए। Thank you so much.